मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना मंत्रियों की नहीं सुनते, यह कहना है रिद्धिमान शुक्ला का, जिनको यह जवाब स्वयं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जबलपुर प्रभारी गोपाल भार्गव ने दिया। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना मंत्रियों की नहीं सुनते, यह कहना है रिद्धिमान शुक्ला का, जिनको यह जवाब स्वयं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जबलपुर प्रभारी गोपाल भार्गव ने दिया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए रिद्धि नारायण शुक्ला ने बताया कि करमचंद चौक स्थित उनकी दुकान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सटोरिया सतीश सनपाल के गुर्गे महेश और आकाश गोगा, जो कि 1.5 करोड़ रुपए के साथ सट्टे की धरपकड़ में पूर्व में पकड़े गए थे, यह दोनों जेल के बाहर पैरोल पर जब आए तो उनकी दुकान पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इनके अनुसार पूर्व SP को भी इस बात की जानकारी दी गई, मगर वह कानूनी सलाह लेते लेते चले गए। वहीं इसकी शिकायत लेकर वे प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार मंत्री गोपाल भार्गव झल्ला गए और उन्होंने कह दिया कि प्रदेश का DGP मेरी भी नहीं सुनता। शिकायतकर्ता शुक्ला का कहना था कि दोनों आरोपी एक बड़े रैकेट का संचालन करते हैं, लेकिन अभी तक इनके रैकेट का खात्मा नहीं हुआ है। वहीं श्री शुक्ला कहते हैं कि प्रदेश के DGP जब मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की क्या खाक सुनेंगे।